मोदी कैबिनेट के बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। दिसंबर 2028 तक अब गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। ये बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचों के विकास पर जोर दिया है। आज कैबिनेट ने सीमावर्ती इलाकों में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। यानी 4,406 करोड़ रुपए 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण पर खर्च होने वाले हैं। और ये सड़क निर्माण कहां होगा? सीमावर्ती इलाके में। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राइस की या फूड ग्रेन की सप्लाई होती है, उन सब एरियाज को इस प्रोग्राम में कवर किया जाए। आज कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एंड दिस विल बी 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से लगातार। अमृत जी, बहुत जल्दी से मैं आपसे समझना चाहूंगा कि फिर से जो उसको एक्सटेंड किया गया है, जो मुफ्त अनाज की योजना है, वो 2028 तक जारी रहेगी। हरियाणा में चुनाव हुए, आपने भी जिक्र किया, दलितों का बहुत वोट मिला है दूरांचल इलाकों में, क्या ये यूएसपी साबित हो रही है बीजेपी की? इसमें कोई शक नहीं है, भारत की जो योजना है अंत्योदय से जुड़ा हुआ और जो कि गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, वो एक तुरुप का पत्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में। और इसी के मद्देनजर और साथ ही साथ आप देखेंगे तो देश की ये जरूरत भी है कि कोई भूखा ना रहे। भारतीय जनता पार्टी इस जरूरत को और इस इमोशंस को दोनों को समझते हुए इसको एक साथ जो है जमीन पर लागू भी कर रही है। उन्हें अनाज मिल रहा है और उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भी दिखाई दे रहा है कि मिलता हुआ मिल रहा है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री आज कैबिनेट की बैठक थी, इस कैबिनेट ने इसको ध्वनिमत से इसको पारित किया है कि देखिए ये जो जरूरत है वो लोगों तक बदस्तूर जारी रहनी चाहिए और इसके लिए दिसंबर जो है आपको बता दें कि आगे जो साल है उस तक बढ़ाया जा चुका है। साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर जारी के जिस पे रोड सबसे अहम है उसको बढ़ावा देने के लिए इस पे काम किया जाएगा। केंद्र सरकार इसके लिए पैसे जो है वो जारी करने जा रही है। ये जो केंद्र जो राज्य सरकारें हैं खासतौर पर सीमावर्ती, उनके लिए एक बहुत बड़े जो है कहा जाए उनके मदद मिलेगी। ठीक है, निश्चित तौर पर हरियाणा चुनाव के नतीजों ने भी स्पष्ट किया है कि मुफ्त की जो राशन योजना है ये बीजेपी को बहुत लाभान्वित कर रही है। दूरांचल इलाकों से भी वोट निकल कर आए हैं बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया अमृत जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।